अस्सलामुअलैकुम माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपसे अपनी डेली रूटीन शेयर करने वाली थी और रूटीन में आज मैंने बनाया है बहुत अच्छा खाना, क्योंकि गोश्त खा के बहुत थक गए थे हम सब। तो बिरयानी भी खा ली, पुलाव भी खा लिया, कोरमा भी खा लिया, कबाब भी खा लिए, तो सोचा आज दाल बनाई जाए। तो दानिश की फरमाइश पर मैंने आज बनाई है बहुत अच्छी सी येलो मूंग की दाल। और उसके साथ मैंने की है मिर्चें फ्राई। वैसे मैं तो चावल के साथ ही खाती हूँ और राइस दानिश नहीं खाते ज़्यादा शौक से, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी। तो बस इस वजह से मैं भी राइस के लिए रह जाती हूँ। तो हालांकि मैं अपने लिए कर सकती थी बॉयल, बट मैंने कहा चलो आज मैं भी रोटी के साथ ही ट्राई कर लूँ, बहुत अच्छी लगती है रोटी से भी। सो ये मैंने डाला है दाल में तड़का, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, प्याज और लहसुन। तो आपको पता है लहसुन के विदाउट तो ये दाल कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए बस मैं इसमें अभी तड़का लगाऊंगी। और मूंग की दाल जो है मैंने जस्ट दाल में कुछ भी नहीं डाला, बॉईल की है, बॉईल करते हुए मैंने रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर और एक टमाटर मैंने चॉप करके डाला था। तो बस उसके बाद ये मैं ऊपर से तड़का ऐड कर दिया और लास्ट में आप इस पर गार्निशिंग कर दें हरे धनिए की। तो बस आज फिर दाल बनाई गई और दाल के साथ मैंने सोचा हरी मिर्चें फ्राई कर लूँ। और हरी मिर्चों में मैंने मसाला डाला था, मसाला मैंने ये डाला था घर का ही बनाया था। मैंने धनिया कूट लिया था थोड़ा सा और ज़ीरा, इसे मैंने फ्राई करके थोड़ा सा रोस्टेड करके कूट लिया था। और उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा जो आमचूर की खटाई पाउडर होता है वो ऐड किया था, चाट मसाला थोड़ा सा ऐड किया था, थोड़ा सा इमली का पल्प ऐड किया था और फिर मैंने इसके साथ लेमन स्क्वैशेस करके ऊपर से कट लगा के इसमें मिर्चें फ्राई कर ली। तो वेडीज़ यही था आज की मेरी दोपहर की रूटीन। आज दोपहर के खाने में हमने बस यही बनाया। फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी फ्रिज की क्लीनिंग कर लूँ, फ्रिज तो क्लीन ही था तो बस उसमें सेटिंग करनी थी, क्योंकि कीमा पिसवाया था मैंने तो बस वही मैंने सेटिंग कर ली थी। तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूँ। तो ये फ्रिज के जो दो पार्ट हैं जो उसके डोर के हैं, उसमें बस ये मेरी चेडर चीज़ स्लाइस रखी हुई थी, अक्सर जन्नत को दे देती हूँ, ये थोड़े से चॉकलेट चिप मेरे पास पड़े हुए थे वाइट ये थे। और ये है मेरा चिकन पार्ट, तो इसमें मेरा है लॉलीपॉप चिकन, विंग्स चिकन और जो वैसे चिकन होता है वो मीट चिकन। तो मैंने इस साइड ये रख दिया और ये मैंने जो है मटन का रख दिया। मटन पे मैंने रबर बैंड ऐड कर दिया था ताकि वो पता चल जाए कि मटन का है। और दानिश गोश्त इतने शौक से नहीं खाते, तो फिर इसके हमने ज़्यादातर कीमा बनवा लिया क्योंकि कबाब खाए जाते हैं। तो मैंने ये दो पैकेट जो है कीमे के बना लिए थे और ये मेरा गोश्त था। सो ये मेरे शामी कबाब का जार था, तो उसको मैंने पैक कर लिया। पर्सनली मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मुझे इस बार इतना ईजी फील हुआ है, ये पॉलीथीन बैग्स थे तो ये मेरी नंद ने मुझे दे दिए थे और उन्होंने गिफ्टेड मुझे किए थे, काफ़ी चीज़ों ने मुझे गिफ्ट करी थी, उसमें मेरी ग्रीन टी थी, ये थे और काफ़ी घरेलू सामान था जो आप जिसके नीडेड हैं आप। तो मैं इसकी बहुत नीडी थी तो मुझे ये मिल गया और मैं बहुत खुश हो गई हूँ। सो मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी जब मैंने इसको सेट करके रखा है, क्योंकि ये कभी ख़राब नहीं होगा इससे। सो व्यूअर्स, अब बनाते हैं फ्रूट चाट। तो मैंने कहा चलो सोचा एक थोड़ी सी फ्रूट चाट बना लूँ। तो बच्चे लहसुन का पेस्ट ऐड करके थोड़ा सा मैंने कहा रात में कीमा फ्राई कर लूँगी,
तो बस मैंने वही ऐड करके थोड़ी देर मसाला बना के रख दिया था, और उसके बाद मैं ये इसे फ्राई कर रही हूँ। ज़्यादा और आगे भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।